हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सन। आज का मेरा नए ब्लॉग में मैं आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश की कुछ कुछ खास खास स्थान दिखाने जा रहा हूँ एक्सप्लोरिंग करके। अब मैं आज का सफर रवाना होने जा रहा हूँ। अपना शुभ यात्रा के लिए उड़ान भरता हूँ, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेहरबानी करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा नहीं भी लगे तो मेहरबानी करके एक लाइक तो जरूर दीजिएगा। तो मैं अपना उड़ान भरता हूँ अपना इस कातारा सेकेंड हैंड बाइक से, अपनी बसंती से। चलते हैं। मैं एक झलक इसे भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है पासीघाट पहुँचने से पहले एक गांव मिलती है। इस गांव के नाम है रानी प्लेस। बहुत ही पुरानी गांव है। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक हाउस होल्ड है, यानी घर है। यहाँ पर भी एक बहुत छोटी सी दुकान है, मगर इस दुकान में हर किस्म का वस्तु मिलता है, यानी एनी प्रोडक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ सामान की कोई कमी नहीं है। तो दुकान के मालिक से भी थोड़ा मिलते हैं। हेलो मैडम जी, कैसी हो? हेलो, ठीक है ना? बहुत दिन के बाद मिला है आपको। अंदा को आधे मुंदे बाला से ही। हाँ, बाला से गोया से एक्सप्लोरिंग करी बोला रहूँ। हाँ हाँ, अभी जो ये सिंगल है। हाँ हाँ, आप लोग एक झलक इसे भी देख सकते हैं। ये रानी गांव में ही है और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम है मार्शल रेसिडेंशियल स्कूल रानी ब्लेस, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। सुनने में आता है कि ये स्कूल बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सो फाइनली आई रीच द एंट्रेंस ऑफ पासीघाट। आखिरकार मैं पासीघाट टाउन की एंट्रेंस वेलकम गेट पहुंच गया हूं। हमारा पासीघाट टाउन की वेलकम गेट यानी एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए चलते हैं अंदर की नज़ारा कैसे होता है एक झलक में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें भी आप लोग एक नज़र डाल सकते हैं। ये है आपका टाटा सुमो और विंगर सुमो की स्टैंड है। यहाँ से लोग टिकट लेते हैं, टिकट खरीदते हैं और यहाँ से टिकट खरीद के अपना सफ़र कर सकते हैं आप लोग, अपना उड़ान भर सकते हैं। हर स्टेशन की टिकट मिलेगी। पासीघाट मेन टाउन जो हमारा ऊँची पर्वत के नीचे बसा हुआ है, देखने से बहुत सुंदर लग रहा है। ये है हमारा पासीघाट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश की नज़ारा। एक झलक इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ये है आपका हेल्थ केयर पासीघाट हॉस्पिटल पासीघाट। यहाँ पर आजकल हर प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, खास करके आई ऑपरेशन, गोल्ड ब्लैडर ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो डॉक्टर लोग बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं। मैंने भी अपनी माँ की आँखों की ऑपरेशन यहीं पर कराया था। बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। न तो काना के लिंगा कम कांग का अब एक इनमान कम कर लूँ सीमो को हेल्थ केयर हॉस्पिटल पास से का दे मतलब ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नरू किना मैं नम काना के लिंगे और अमिक ऑपरेशन मुइना के लिंगा कम हो जाएगा हो आला इलाया होलोगा मुने हेल्थ केयर हॉस्पिटल पासीघाट। बाहर से आने वाले जो लोग अच्छे होटल में ठहरना चाहते हैं तो शायद आप इसमें जाकर ठहर सकते हैं। इसे आप लोग गौर से देखिएगा, ये होटल आशीर है, 5 मंजिला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फिर इसके नीचे आपका बस स्टेशन है जहाँ से लोग टिकट लेकर अपनी सफ़र करती हैं। तो एक जगह इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से शुरू हो गया आपका पासीघाट टाउन के नज़ारा। ये पर्वत बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर बोले तो अति सुंदर। वाह, अगर आप लोग मौका मिलते हैं तो यहाँ पर आके अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ों की पहाड़ की आनंद भी लीजिएगा। ये है आपका वेस्ट सियांग और दिबांग वैली जाने की किनारी। अगर आप उसी का रास्ता पकड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेस्ट सियांग तक, यानी हेलो टॉप। और राइट हैंड से जाओगे तो आपको
मिलेगा दम्बुक रोइंग यानी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के। तो मैं भी अब अपना उड़ान भरता हूँ लोअर दिबांग वैली की ओर यानी दम्बुक रोइंग की ओर। यहाँ से आप लोग दिखाई दे रहा है आगे पर्वत के नीचे एक बहुत ही सुंदर पुल है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सामने से। तो ये है आपका रानीघाट ब्रिज से जो हमारा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पासीघाट में बहुत ही पॉपुलर है। जैसे डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बोगीबील ब्रिज से फेमस होता है, पॉपुलर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश ईस्ट का नामी वाला ब्रिज, पॉपुलर ब्रिज बोले तो यही है रानीघाट। तो ये बिल्कुल भी हिमालय पर्वत के नीचे बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर ठंडी हवा बह रही है, नज़ारा बहुत सुंदर है, ये वातावरण बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब नीचे देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पर कुछ छोटी सी पार्क जैसा बना के रखा है जिसमें लिखा हुआ है पासीघाट। ये है आपका सियांग रिवर जो चीन से होके आती है और नीचे जाके यानी आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबह के समय यहाँ पर खूब हवा चलती है जिसे बसंती हवा कहती है। आप लोग नीचे देख सकती है, नीचे की नज़ारा ये कम से कम 40-50 फुट की ऊपर में है। अगर यहाँ से कोई गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। अब पीछे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर पर्वत है और यहाँ से होके चली गई आसाम की ओर। और मैं भी अपना शुभ यात्रा, अपना सफर यहीं से होके जाऊंगा जो पहाड़ के नीचे नीचे होके ऐसे, तो मैं पहुंच जाऊंगा लोअर दिबांग वैली में। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये रानीघाट ब्रिज देख के। अगर मौका मिलते हैं तो जाड़ों का मौसम में ज़रूर आइएगा, इस ब्रिज का आनंद भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जनवरी के महीना में पिकनिक खाने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। खास करके हमारे नए बोर्डिंग स्टेट आसाम के लोग अधिक तादाद में आते हैं लोग, तो यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर मौका मिलते हैं तो ज़रूर रानीघाट ब्रिज में आके पिकनिक खाइएगा और इसका आनंद भी ज़रूर लीजिएगा। सो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को एग्जैक्टली मिडिल पोर्शन ऑफ द रानीघाट ब्रिज से। नोट में देखोगे तो बहुत ही सुंदर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से होके ये बहती है। अब नीचे की नज़ारा भी थोड़ा देखते हैं, ये देख सकते हैं आप इतनी ऊंचाई पर हैं, लगभग 50-60 के फीट ऊपर मैं खड़ा हूँ। अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आपका मुंडी चक्कर आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा रानीघाट ब्रिज की नज़ारा कुछ ऐसे ही दिखता है। तो आइए बिना देर करते हुए चलता हूँ यानी मैं अपना उड़ान बढ़ता हूँ आगे की सफर के लिए। अब मैं पासीघाट से लगभग 15 किलोमीटर आगे पहुँच गया हूँ एक गांव में। इस गांव के नाम है मेबू, ये बहुत ही रिनाउन गाँव है यानी पॉपुलर वाली बस्ती है। तो पासीघाट को पार करने के बाद ये गांव मिलती है, आप लोग देख सकते हैं ये है मैं वो गांव की नज़ारा। अब मैं जहाँ से आया था ये पासीघाट की रोड है और ये जहाँ से गाड़ी आ रही हैं और ये दादुम बोरगुली पीत की रास्ता है। ओके, उस पहाड़ का नीचे से होके जंगल जंगल होके मुझे अपना सफ़र करना होगा। तो बिना देर करते हुए कैसे बढ़ता हूँ अपनी उड़ान। तो जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से एक गांव दिखाने जा रहा हूँ। इस गांव का नाम सीलुक बस्ती है, तो मैं एक झलक आप लोगों से दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ओके जाती है एक बस्ती, एक गांव जिसका नाम सीलुक बस्ती का नाम से जानते हैं यानी सीलुक गांव। लोगों का कहना है कि ये गांव हमारा अरुणाचल प्रदेश में साफ सुथरे में रहने वाला गांव में से एक नंबर में गिना जाता है। सरकार ने, हमारा अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पुरस्कार भी दिया था। कि सुनने में आता है कि ये सीलुक गाँव
जितना साफ सुथरे और जितना सुंदर है तो यहाँ के लोग उतना ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। तो समय को ना गवाते हुए फिर से मैं अपना उड़ान भरता हूँ। सो सफ़र करते करते मुझे रास्ता में एक नेपाली भाई मिला है जिनका नाम राजू थमंग बताता है, तो मुझसे लीप मांगा है, तो मैंने भी हाँ कर दिया। बेचारा दया आ गया, दया लग गया है, इसलिए मैं उस भाई को लेके जा रहा हूँ। तो ये है नाम क्या बोला था? राजू तमंग। हाँ राजू तमंग। तो तमंग, हाँ तमंग भाई, तभी मेरा बाइक में बसेर कस्त लगे? बढ़िया लगे, बढ़िया लगे। मेरा गाड़ी छुटे थी तब लीप दिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो चलते हैं। थोड़ा थक गया है, सुबह 8:30 बजे मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। अब लगातार 2.5 घंटा बाइक सफ़र करने के बाद थोड़ा थक गया है, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। अब तामंग भाई मुझे फ़ोटो ले रहा है। तो किसी यहाँ पर एक स्थान है, एक जगह है, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जिसे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं उस व्यू पॉइंट को। तामंग भाई मेरा मदद कर रहा है, मेरा ग्राफर बन गया है और आधा रास्ता में हम दोनों का दोस्ती हो गया है। तो आइए चलते हैं ऊपर। तो आप लोग रोइंग पहुंचने से पहले, एक दाम्बू गांव है उसे पहुंचने से पहले यहाँ पर एक कुछ पहाड़ ऐसा दिखता है, तो ऊपर सर की यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पहाड़ों की नज़ारा, नदियों की नज़ारा। तो आइए देखते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर इलाका है। आगे दिखाओ। तो ऊपर हम लोग सर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही आप है, हम लोग प्लेन एरिया का आदमी है इसलिए पहाड़ में नहीं चढ़ सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका, ओ नीचे यहाँ से लगभग 300-400 फुट नीचे काई है। अगर यहाँ से कोई गिर जाएंगे तो हड्डी पसली हो जाएंगे। तो आगे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, वो है आगे की रास्ता, वो वहाँ से होके हम फिर से सफ़र करेंगे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो ये देख सकते हैं, यहाँ आके आप लोग मस्ती कर सकते हैं, यहाँ खाना पीना, बिस्कुट पानी इत्यादि लेकर आप लोग इस जगह में आराम से बैठ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आइए और ऊपर चढ़ते हैं। अब लगभग हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिला में पहुँच चुके हैं। अभी ये बाउंड्री है, उस तरफ हो गया आपका ईस्ट सियांग जिला, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, और इस तरफ हो गया आगे आपका लोअर दिबांग वैली जिला। तो लोअर दिबांग वैली पहुँचते पहुँचते ये इतना सुंदर हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं वो पहाड़ के नीचे वहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है, और नदी जहाँ तहाँ बह रही है इधर उधर, तो देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, कोई कोई यहाँ से नीचे जाती हैं, मगर हम तो यहाँ से आगे और नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, ऊंचाई से मैं बहुत डरता हूँ। ये देखिए अब बिल्कुल भी मैं ऐसा महसूस हो रहा हूँ कि मैं एक हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूँ, मैं एक प्लेन में जा रहा हूँ। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है, तो आप लोग भी आने से इस जगह को देखने में ना भूलिएगा। आप लोग देख सकते हैं नमूने के तौर पर, ये देखिए बिजली की कम्बा, आप बिजली की कम्बा के ऊपर मैं खड़ा हूँ और नीचे एक बाइक जा रही है। वाव सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ पर एक ब्रिज पहुँच गया है, इस ब्रिज का नाम है, इस पुल के नाम है शिशिरी ब्रिज, लोग शिशार ब्रिज भी कहते हैं, जिसे मैंने थोड़ी पहले आप लोगों को पहाड़ के ऊपर से दिखाया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाया था।
वो वही नदी है। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इसे भी दिखा रहा हूँ, इसे इतनी ठंडी बर्फीला पानी बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो नहाने के लिए मन हो गया, स्नान करने के लिए, मगर अभी मौसम ठंडी है, मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और आगे जाना है। तो ये सुंदर नदी वही नदी है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था पहाड़ के ऊपर से, ये है आपका शिशिरी नदी। यहाँ पर आसाम के लोग काफ़ी तादाद में आकर पिकनिक मनाते हैं हर साल, और ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर पिकनिक करने से बहुत ही मस्ती लगता है, बहुत मस्त जगह है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर होटल है जो शिशिरी ब्रिज को पार करके आप लोग यहाँ पर लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। तो खाना पीना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, मैंने भी खा के देखा है, और प्राइस भी रीजनेबल है, बहुत अच्छा है। तो हमारा अरुणाचल आने से आप लोगों का कोई तकलीफ नहीं होता है, केवल आपका पॉकेट में मनी होना चाहिए, मनी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गर्मियों के मौसम में ये लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत ही बड़ा पहाड़ गिर गया था, मगर अब तक इसका सफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ के जितने भी यात्री यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता, जस्ट छोटी सी कच्चा रास्ता है, ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो नीचे खाई में गिर जाएंगे, और ये रास्ता भी इतना सही नहीं है। तो जो लोग रास्ता बनाते हैं जो डिपार्टमेंट, तो ये रास्ता को जल्द से जल्द क्लियर कर देने से, साफ़ कर देने से बहुत अच्छा रहेगा हम यात्रियों के लिए। अब तो वैसे भी जाड़ों का मौसम आ रहा है, आ ही गया है, तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोग यातायात करेंगे। तो ये देखते हैं उदाहरण के तौर पर कितनी मुश्किल से जा रही है। तो सुनने में आता है कि ये BRO रोड है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगर आप ये वीडियो 1444 BR तक पहुंचते हैं तो आप लोग जरा मेहरबानी करके अपना ड्यूटी निभाते हुए इस रोड को जल्द से जल्द साफ करने की कष्ट कीजिएगा। तो आइए मैं आप लोगों से एक चीज़ दिखाता हूं। तो रास्ता में जाते जाते यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा गीतर यहाँ पर बना के रखा है, ये बहुत बड़ा गीतर। आप लोग फिल्मों में टीवी में गीतर तो हरदम देखते होंगे, लेकिन इतना बड़ा गीतर तो शायद कभी नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखा है, पहली बार देख रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गीतर ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया में इतना बड़ा गीतर शायद नहीं होगा मेरा ख्याल से। तो मैं सामने से जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है गीतर, इतना बड़ा गीतर है, अरे वाह, वाह, इतना बड़ा गीतर जिंदगी में, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ। देख के अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। चलते चलते। अभी जो मैंने आप लोगों को एक गीतर दिखाया था, वो बड़ा गीतर हमारा लोअर दिबांग वैली दाम्बुक नामक बस्ती में है। अगर आप लोग आते जाते हैं तो कभी जाके सामने से देखिएगा, अगर देखना चाहोगे तो। अपना सफ़र जारी रखते हुए फिर से मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर पुल, बहुत ही सुंदर ब्रिज दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर ब्रिज, बहुत ही सुंदर पुल है। इस पुल की नाम, इस ब्रिज की नाम बमजिर ब्रिज का नाम से जानते हैं लोग। इस ब्रिज को पार करने से अब हम प्रवेश होने वाला है रोइंग की टाउन में। ऐसे सुंदर पुल को दिखाने में शायद एक लाइक तो बनती है मेरा ख्याल से, अगर बनती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस पुल के लिए भी। आखिरकार आपका रोल मैं रोइंग पहुंच गया हूं। ये मेरा
रास्ता का हम सफर था राजू भाई। तो अभी हम दोनों यहाँ से अलग अलग होने जा रहे हैं, डिपार्चर होने जा रहे हैं। तो राजू भाई कैसे जाइएगा और मैं भी जाता हूँ, मिलेंगे फिर मिलेंगे, बाय बाय जी। आप लोग देख सकते हैं ये है रोइंग टाउन की वेलकम गेट यानी एंट्रेंस है, यहाँ से होके लोग प्रवेश करते हैं। तो देखा जाए तो रोइंग टाउन और पासीघाट टाउन में कोई इतना फर्क नहीं है। पासीघाट टाउन भी आपका पहाड़ों के आंगन में है, पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। और यहाँ पे देखा गया है तो रोइंग टाउन भी पहाड़ों के नीचे में, पहाड़ों के आंगन में बसा हुआ है। देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। और थोड़ा आगे जाके अंदर की नज़ारा भी मैं दिखाने के लिए प्रयास करूँगा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं ये है आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट रोइंग टाउन की नज़ारा, ऐसे ही देखते हैं। ये आपका रोइंग टाउन है, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, ऑटो लाइन बाय लाइन खड़ी है। आप लोग कहीं भी जाना है तो यहाँ से टेम्पो लेके ऑटो लेके जा सकते हैं। ये है आपकी बस स्टैंड, यहाँ पर प्राइवेट एवं सरकारी गाड़ी रुकती हैं और यहाँ से टिकट वगैरह लेके आप अपना फिर से अपने मंजिल तक के लिए उड़ान भर सकती हैं। और इसका अपोजिट में, जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर एक बड़ा होटल है 3 मंजिला। तो इस होटल का नाम है होटल मीमू। तो आप लोग बाहर से आने वाले रात को यहाँ आराम से गुजार सकते हैं, यहाँ टिक सकते हैं, होटल मीमू। अच्छा लग रहा है। ये आपका रोइंग टाउन की नज़ारा, अंदर की नज़ारा है। यहाँ के लोग से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, मिलन रेस्टोरेंट। और इस तरह से देखते हैं यहाँ की मार्केट। पासीघाट टाउन और रोइंग टाउन में भी कोई फर्क नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। रोइंग टाउन बहुत ही सुंदर है, सचमुच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के टाउन प्लानिंग, यहाँ की दुकान मकान सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर। सो फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ द मार्केट को मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से कि दिखते हैं रोइंग टाउन, रोइंग मार्केट। तो जाड़ों की मौसम आ गया है तो मैंने यहाँ से कुछ गर्म कपड़ा लिया है इन बहन से, तो रोइंग टाउन के नाम से। तो बहन जी मिलेंगे यूट्यूब में। आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी सफ़र अपने गांव से, अपनी बस्ती से सुबह 8:30 बजे आरंभ किया था और फाइनली मैं यहां पर पहुंच गया हूं। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट की जाने माने टाउन रोइंग टाउन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर मैं आ चुका हूं। अब यहां पर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ दिखाने जा रहा हूं, एक खास स्थान है। ये साइन बोर्ड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सीट बिस्मक नगर। तो यही है वो स्थान, यही है वो जगह जिसे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल सीट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अंदर की नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ बाहर से मेहमान भी आए हुए हैं इसे देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही पुरानी सीट है, ये ब्रिक से लाल इटा है, बहुत ही पुरानी है, देखने में पतली है मगर बहुत तगड़ी है। तो यही है वो जगह, वो स्थान जिसे लोग आर्कियोलॉजिकल सीट कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं घुमा फिरा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 3 कमरे हैं। लोगों का कहना है, मान्यता है कि यहाँ पर ही लॉर्ड कृष्ण का, भगवान कृष्ण की मिसेस रानी माता रुक्मिणी देवी निवास करती थी अपने पिता श्री राजा भीष्मक के साथ। तो
राजा भीष्मक अपनी परिवार के सभी सदस्य को लेकर यही पर निवास करते थे। तो यही है वो स्थान, ये आर्कियोलॉजिकल सीट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सोती है पर बहुत पुरानी है। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पवाई। पवाई से? पवाई कहाँ पड़ता है आपका? डिगबोई में। अच्छा, तो आर्कियोलॉजिकल सीट को विजिट करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। रखा हुआ है इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में। जी, सो यहाँ आके विजिट करने के लिए आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके डेन ताता, बाय बाय, मिलेंगे यूट्यूब में सर। अजी मेरा यूट्यूब का नाम है तारुंग पर्तिन ऑफिशियल। ठीक है। हाँ, अब शाम होने वाली है, शाम होने को आई है। फाइनली मैं अभी आलूबाड़ी पहुँच गया हूँ। इस जगह का नाम है आलूबाड़ी। दिगाड़ू भी कहते हैं लोग, लेकिन आलूबाड़ी का नाम से ही जानते हैं। अब मैं बिल्कुल भी तीन डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में हूँ। जहाँ से मैं आया था, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं आया था वो आपका दिबांग वैली, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, और नीचे जाओगे तो आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट। अब मैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट एवं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में हूँ। अब मुझे भी भूख लग गया है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। अब मैं ये होटल में जाके कुछ खाना खा लेता हूँ। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ मछली के साथ इस होटल में, दिगाड़ो होटल में, यानी आलूबाड़ी की होटल में। खाना खा लिया, अब दिल में तेरा सुकून मिला है। आप लोग देख सकते हैं अब सूरज डूबने वाली है, शाम होने को आई है। इसलिए मैं आज से लोहित जिला को यानी लोहित डिस्ट्रिक्ट को कवरेज नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों को मैं लोहित जिला का यानी तेजू टाउन के नज़ारा को दिखा नहीं पाऊँगा। खैर कोई बात नहीं, दूसरा दिन मैं आप लोगों को अलग से तेजू की नज़ारा दिखाएंगे। अब मैं अपना उड़ान भरूँगा सीधी नमसाई की ओर, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अब 3 बज गई है। नामसाई पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएंगे, तब तक शाम हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे जितना दिखा सकेगा दिखाने के लिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आगे की नज़ारा दिखाने के लिए। तो चलता हूँ मैं, अपनी उड़ान भरता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है आलूबाड़ी ब्रिज की नज़ारा। अब बिल्कुल भी मैं आलूबाड़ी ब्रिज में पहुंच गया हूँ, यानी नामसाई ज़िला में मैं प्रवेश हो चुका हूँ। ये है बहुत सुंदर आलूबाड़ी ब्रिज। आप लोग तो गाने में सुनते होंगे असमिस गाना में, हे आलूबाड़ी परे हो चो काम पाम, चो कामड़ कामती गहो तू पुलवत काम, ये लगन मयो जांग, बोलने वाला जगह यही है। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब समय 4 बज गई हैं और मैं यहाँ एक जगह पर पहुँच गया हूँ। ये नामसाई का एक ऐसा पॉपुलर जगह है, रिनोन जगह है, टूरिज्म प्लेस है, जिसे लोग गोल्डन फगोदा का नाम से जानते हैं। तो आइए अंदर की नज़ारा भी देखते हैं। यहाँ की मैदान को देखिए, ग्राउंड को, इतना साफ सुथरा है, इतना साफ सुथरा है कहिए मत, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आगे की नज़ारा और दिखाएंगे मैं आप लोगों को, बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पर क्या लिखा है आपका, खोंग मू खाम यानी गोल्डन पगोडा। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका गोल्डन पगोडा, जो नामसाई जिला का सबसे रिनाउन प्लेस यानी सबसे रिनाउन टूरिज्म प्लेस, तो इसी को कहलाता है गोल्डन पगोडा। वैसे तो हर कोई दिखाते हैं यूट्यूब में या किसी किसी वीडियो में आप लोग देखने को मिलते हैं गोल्डन पगोडा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर लोग भी बहुत होंगे जो कभी नहीं देखे हैं। मेरा सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे
YouTube चैनल के परिवार जिन्होंने कभी नहीं देखा है गोल्डन पगोडा को, अब आप लोग भी विस्तार से देख लीजिए, ये ही गोल्डन पगोडा की नज़ारा। तो मैं घुमा फिरा के आप लोगों को दिखाएंगे। मोग आदि बुरमा बुर आना बुक डिंगा कम बोझे को कदम मोग सब्सक्राइबर दलु अदम हिम कांकुमाना कम कदम गोल्डन पगोडा ही नामसाई डिस्ट्रिक्ट लो कदम ही बुद्धिस्ट टेम्पल को बतरुना को कम्पर उना को कांकुमाना कम मोग यूट्यूब चैनल सेनलु कम कांकु तका आदि पकम नलु मोलु बिदु जगह से नारंगई दु कम्पोरंगई दु लेकोन समय पाला इम लो एन गंगला हिकम कम जगम नलु कम काना के दुंग मग व्यूअर्स के दुंग मग आयर उन सब्सक्राइबर के दर कांगो तक का जो काला जो तो देखते हैं आगे की नज़ारा। सचमुच का यहाँ की नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आप लोगों को सामने से दिखाएंगे। ये है आपका लॉर्ड बुद्धा की इमेज स्टेच्यू, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, डोनेशन बॉक्स, यहाँ पर हर कोई डोनेट कर सकता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये गोल्ड कलर की है, गोल्डन कलर की। ये आपका पीछे की नज़ारा है, यहाँ पर एक दो तीन चार चार दरवाज़ा है, आगे पीछे दाहिने बाएं। तो ये है आपका बहुत ही सुंदर गोल्डन पगोडा। अगर आप लोग इसकी सुंदरता की मज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग जब यहाँ पर पूजा होती है तब आइएगा, तब देखिएगा, तब असली मज़ा देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल तालाब है, बीच में लॉर्ड बुद्धा की इमेज है जो स्नेक के नीचे बैठ रहे हैं, एक सर्प के नीचे वो बैठ रहे हैं यानी मेडिटेशन कर रहे हैं। इस कुएं में, इस तालाब में लोग सिक्के डालते हैं, कॉइन्स डालते हैं, तो उसका कारण तो मुझे नहीं पता क्यों लोग डालते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जो देखने से चाइना चाइना लगता है। ये आई थिंक दिस इज चाइनीज मॉडल, देखने से बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का एक्सप्लोरिंग, मेरा आज का ब्लॉग भी शायद यहीं पर समाप्त होंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं सूरज डूबने वाली है, शाम होने को आई है, आई मीन रात होने को जा रही है। तो मैं भी आज का अपना एक्सप्लोरिंग ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।